सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, टेंथ के पाठ्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि वाक्यगत अशुद्धियां दो अंकों की है और इन दो अंकों में से हमें अंक प्राप्त कर लेना आसान हो जाता है जब हम सही तरीके से वाक्यगत अशुद्धियों की गलतियों को सर्च कर लेते हैं, उनको ढूंढ लेते हैं। वाक्यगत अशुद्धियों में हमने सबसे पहले पढ़ा था अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धियां। अनावश्यक शब्द किसे कहते हैं? जिसकी आवश्यकता ना हो। अनावश्यक, अनावश्यक, अन यानी नहीं, आवश्यक नहीं होती। जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा कि हम केवल परस्पर साथ रहना चाहते हैं, तो केवल और परस्पर इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं होना चाहिए। समय चक्र का पहिया चल रहा है, समय का पहिया चल रहा है या समय चक्र चल रहा है, चक्र और पहिया का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ऐसी अशुद्धियों को हम अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धियां मानेंगे, जिसमें आवश्यकता नहीं थी कि अतिरिक्त शब्द को वाक्य में रखा जाए। मैंने सोमवार के दिन का व्रत किया, अगर वार आ गया है तो दिन नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां होती हैं वो अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धियां मानी जाती हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धियां। अनुपयुक्त और अनावश्यक शब्द में अंतर है। अनुपयुक्त में शब्द गलत रहता है, जबकि अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धियों में दो शब्द होते हैं वो सही तो रहते हैं लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि मैंने कहा कि राम ने रावण का वध किया, सही है, लेकिन हत्या की गलत। हत्या शब्द का प्रयोग निर्दोष लोगों के लिए किया जाता है। अगर किसी निर्दोष के मौत हो जाती है या किसी व्यक्ति द्वारा किसी की किसी का मर्डर हो जाता है, तो मर्डर होने के बाद अगर निर्दोष व्यक्ति का मर्डर हुआ है तो वो हत्या कहलाएगी, लेकिन दोषी व्यक्ति का मर्डर हुआ है तो फिर वो वध कहलाएगी। जिस प्रकार से कृष्ण ने कंस की हत्या की थी, राम ने रावण की, सॉरी हत्या नहीं, वध किया था, जिस प्रकार से राम ने रावण का वध किया था, तो वध शब्द जो है वो बुरे व्यक्ति के लिए सार्थक माना जाता है। से मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखाया था अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धियों में, कि जिस प्रकार से बच्चों की का जो समूह होता है उसे टोली कहा जाता है, तो बच्चों की टोली जा रही है, सही है, लेकिन अगर शब्द यह आ जाता है कि बच्चों का गिरोह जा रहा है तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि तो गिरोह शब्द का प्रयोग डाकुओं के समूह के लिए किया जाता है। जैसे कि वो लिखाया था मैंने कि जेडीबी कॉलेज के बाहर लड़कियों का झुंड खड़ा है, लेकिन झुंड शब्द का प्रयोग जानवरों के समूह के लिए किया जाता है, इस वजह से झुंड शब्द वहां गलत है, वो वाक्यगत अशुद्धियों में गिन लिया जाएगा। लेकिन अगर आता है कि जेडीबी कॉलेज के बाहर लड़कियों की भीड़ खड़ी है तो वो भीड़ शब्द का प्रयोग सही होता है। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वाक्य के अंतर्गत कौन सा शब्द गलत आ रहा है, अगर गलत शब्द आ रहा है तो वहां पर अनुपयुक्त शब्द संबंध अशुद्धि हो जाएगी। क्लियर है? अगला आप देखें, मैंने दिखाया सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। आप आए, तुम्हारे पिताजी नहीं आए, तो आप शब्द एक सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहा जाता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम का उचित प्रयोग होना चाहिए। तो आप आए, आपके पिताजी नहीं आए तो सही था, लेकिन आप आए, तुम्हारे पिताजी नहीं आए, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार की त्रुटियां सर्वनाम संबंधी त्रुटियां। तो तीन चीजें हमने पढ़ी थी, तीन पर हमने गहन चिंतन किया था। अगला जो इसी का एक छोटा सा अंश है, उसका भाग है, वो है क्रिया संबंधी अशुद्धियां। क्रिया संबंधी अशुद्धियां ये हमें पढ़ना है। आप देख लें, कई बार एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं और आप इनको ढंग से पढ़ें, देखें, पैनी निगाह रखनी है कि गलती कहां हम कर रहे हैं। पहला है
खाना परोसा जाता है, ये सही है। लेकिन अगर आ जाता है खाना रखा जाता है, ये गलत माना जाएगा। डाला जाता है गलत माना जाएगा। इस वजह से अगर आए कि उसने, राम ने सीता को खाना परोसा या सीता ने राम को खाना परोसा है या रखा है, रखा है तो गलत हो जाएगा, अगर परोसा है तो सही। चप्पल निकाली जाती है, अगर इस प्रकार का आ जाता है उसने चप्पल निकाल ली है, निकाल ली है, ये गलत हो जाएगा। उसने चप्पल, तो चप्पल उतारी जाती है, निकाली नहीं जाती। इस प्रकार की छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान समुचित तरीके से सोचना है, एनालाइज करना है। आप जितना एनालाइज करोगे, जितना आप चिंतन करोगे, और जितना चिंतन करोगे आपको त्रुटियां ढूंढने में उतनी ही सहायता मिलेगी। आप सोचें इसके बारे में। गालियां बकी जाती है, दी जाती है, गलत। उसने मुझे गाली दी, और इस प्रकार का आ जाता है वाक्यांश, उसने मुझ पर गालियां बकी है, बकी है, ये सब ये क्रिया संबंधी। तो बकी जाती है न कि दी जाती है, तो यहाँ पर ये तो गलत है, ये सही। गहनता से विचार करें। संकल्प किया जाता है, अब बहुत से बार आया ना, राजीव ने संकल्प लिया है, गलत हो जाएगा। राजीव ने संकल्प किया है, ये सही है। ये छोटी छोटी त्रुटियां हैं जो हमें एनालाइज करने पर ही आएगी, चिंतन करने पर ही आएगी। लाखों बच्चे इसे पढ़ते हैं लेकिन फिर भी गलतियां कर जाते हैं। उन लाखों की भीड़ से अगर हम लोगों को ऊपर उठना है तो हम लोगों को इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। उसने संकल्प लिया, गलत। उसने संकल्प किया, ये सही है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि संकल्प किया जाता है, लिया नहीं जाता, गालियां बकी जाती है, दी नहीं जाती, चप्पल उतारी जाती है, निकाली नहीं जाती, खाना परोसा जाता है, डाला नहीं जाता। इस प्रकार से कंबल ओढ़ा जाता है, डाला नहीं जाता। जैसे कि मोहन ने कंबल डाल लिया, गलत। मोहन ने कंबल ओढ़ दिया, ये सही। उसी प्रकार से उपाधि दी जाती है, ये सही है। वितरित की जाती है, हम किसी को उपाधि देते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी, तो वो उपाधि वितरित नहीं की गई थी, वो दी गई थी, किसी न किसी व्यक्ति द्वारा दी गई थी। तो उपाधि दी जाती है, वितरित नहीं की जाती है। पारितोषिक वितरित किया जाता है, वो दिया नहीं दिया जाता। तो ये चीज है ना, पारितोषिक तो वितरित किया जाता है, दिया नहीं जाता, लेकिन उपाधि दी जाती है, वितरित नहीं की जाती। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में हमेशा ही रखनी है। आपको अपने डोट्स क्लियर करने हैं। सबसे पहले खाना परोसा जाता है, डाला रखा नहीं जाता, चप्पल उतारी जाती है, निकाली नहीं जाती, गालियां बकी जाती है, दी नहीं जाती, संकल्प किया जाता है, लिया नहीं जाता, कंबल ओढ़ा जाता है, डाला नहीं जाता, उपाधि दी जाती है, वितरित नहीं की जाती। तो हम लोगों ने अभी पहले सबसे पहले पढ़ा अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धियां, जहां एक ही वाक्य में दो शब्द आ जाते हैं, केवल एक की जरूरत होती है लेकिन दूसरा शब्द अनर्गल तरीके से हम प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो गलत माना जाए। दूसरा है अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धियां, वहां पर पूरे वाक्य में कोई एक शब्द जो होता है वो गलत होता है, तो वो अशुद्धियां भी हमें पकड़नी है। तीसरा है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, और हम चौथा जो पढ़ रहे थे वो क्रिया संबंधी अशुद्धियों को पढ़ रहे थे। तो किस प्रकार से हमने पढ़ा, ये सब कुछ चीजें आपको एनालाइज करनी है, आपको याद करना है, उसके बाद में हम अगले अंश की तरफ चलेंगे। वाक्यगत अशुद्धियों में अभी तक हमने इसके चार अंशों को पढ़ा, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को पढ़ा, अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धियों को हमने पढ़ा, अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धियों को हमने पढ़ा। तत्पश्चात अभी हाल ही में जिन अशुद्धियों को हमने पढ़ा था, क्रिया संबंधी अशुद्धियों को हमने पढ़ा। अगला है पशु पक्षी व उनकी बोलियों से संबंधित अशुद्धियां, जैसे कई बार आ जाता है कबूतर बोलता है, अशुद्धियां हैं, कबूतर बोलता नहीं है, कबूतर गुटर गुटर करता है, कुत्ता भौंकता है, ये सही है, कुत्ता बोलता है, ये गलत हो जाएगा, ऊंट रंभाता है, गलत है, ऊंट बलबलाता है। इस संबंधी अशुद्धियों को हमें बड़े गौर से पढ़ना होगा। सबसे पहले कुत्ता बोलता नहीं है, भौंकता है, इसे याद रखना।
कबूतर गुटर गुटर करता है, इसे याद रखना है। ऊंट बलबलाता है, ऊंट बोलता है गलत, ऊंट रंबाता है गलत, ऊंट गड़ती है गलत या गड़ता है गलत। ऊंट जो करता है उसकी आवाज को बोला जाता है वो बलबलाता है। उसी प्रकार से गाय बोलती नहीं है, गड़ती नहीं है, बलबलाती नहीं है, नहीं भोगती है, बल्कि करती क्या है वो रंबाती है। तो हम लोगों को जानवरों से संबंधित आवाजों को याद करना है। अगर हमने ये याद कर लिया तो कई बच्चों से हम बहुत आगे निकल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ, एक कहावत है कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट ए साइज। बहुत बड़ी कहावत है कि लीडरशिप कभी ये तय नहीं करता कि आपकी साइज या आपकी आकृति या आपकी उम्र कितनी बड़ी है। लीडरशिप इज अबाउट ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। आपकी शिक्षा और आपका ज्ञान आपके लीडरशिप को तय करता है। अगर आपको छोटी छोटी बातें याद हैं तो आप बड़े बड़े से बड़े समूह का प्रतिनिधित्व कर सकते हो, और आपको छोटी से छोटी बातें याद नहीं हैं तो उम्र में भी बड़े हो जाने पर आप किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। जैसे कि है एज इज द नो गारंटी ऑफ मैच्योरिटी, आप उम्र में बहुत बड़े हो जाओ जिसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्ञानी हो। ज्ञान का प्रचार और प्रसार नॉलेज एजुकेशन से ही आता है, हमारे अनुभव से आता है, हमारे पढ़ने से आता है, हमारे एनालाइज से आता है, हमारी कल्पना से आता है। हम जितना चिंतन करते हैं उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाते हैं। चिंतन इन बातों पर होना चाहिए। इस वजह से इस कहावत को सही ठहराया गया है कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट ए साइज, इट इज अबाउट ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। आपकी शिक्षा आपका नॉलेज आपको हमेशा प्रतिनिधित्व करने के लिए बाध्य कर देगा। आप समूह का प्रतिनिधित्व करोगे, आप समूह का नेतृत्वकर्ता बनोगे, आप बड़े शोर पर इस चीज को कर सकते हो। इस वजह से कभी उम्र में ना जाएं, हम लोग हमारे चिंतन शक्ति की ओर जाएं। हमें अगर नॉलेज है, हम लोगों को अगर इन चीज़ों के बारे में पता है तो हमें कोई नहीं हरा सकता। इस वजह से मैं आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी हिंदी की दे रहा हूँ। जैसे कि भैंस गडरती है, चिड़िया चहचहाती है, कोयल कूकती है। अगर यहाँ आ गए कोयल चहचहाती है, गलत, कोयल चहचहाती नहीं है, कोयल। सांप फुफकारता है, अगर आ गया सांप क्या नाम है, गरजता है, चहचहाता है, कूकता है या बोलता है, गलत हो जाएगा, वो चीता गरजता है सही, हाथी चिंगारता है सही, शेर दहाड़ता है सही। कई बार देता है चीता दहाड़ता है गलत, चीता गरजता है दहाड़ता नहीं है, हाथी चिंगारता है रंबाता नहीं है, शेर ग्रस्ता है गलत, वो दहाड़ता सही है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है कि शेर दहाड़ता है, चीता ग्रस्ता है, गाय रंबाती है, कोयल कूकती है, चिड़िया चहचहाती है, सांप पुकारता है ना, ऊंट क्या नाम है, ऊंट का है, ऊंट का लिखा है नहीं मैंने आप लोगों को, ये लिखा रखा है बलबलाता है, ऊंट बलबलाता है, क्या नाम है, भैंस गड़रती है, गाय रंबाती है। आपको अपने फिंगर्स पर ये सब कुछ याद कर लेना है। मैंने आपसे फिर भी कहा एज इज द नो गारंटी ऑफ मैच्योरिटी, उम्र तय नहीं करता है कि आप मेरिट में आओगे या नहीं। आपका नॉलेज, आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस ये तय करता है कि आप लोग कितने आगे बढ़ने वाले हो। और वो नॉलेज सही होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, उचित होना चाहिए। इसी वजह से एक एक चीज में आपकी क्लियर करवा रहा हूँ, आप लोगों को इनसे संबंधित सभी आवाजों को याद कर लेना है। और जब ये आवाजें आपको याद हो जाएंगी तो आपकी त्रुटियां स्वतः ही कम से कम होती चली जाएंगी। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक जो हमने पढ़ा, इसके बाद में जो अगला टॉपिक आएगा उसे कल पढ़ेंगे। अभी का जो टॉपिक था पशु पक्षियों संबंधी अशुद्धियाँ, बोलियाँ संबंधी अशुद्धियाँ, इससे पहले हमने क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ पढ़ा। ये दोनों ही टॉपिक आप कर लीजिए, क्लियर कीजिए, इसके बाद में अगला।